हमारे विधायक शहर उत्तरी भाई हर्षवर्धन वाजपेयी जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे गंगापुर के अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका भी चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से उनका स्वागत करें और बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आदरणीय हमारे गहर श्रीवास्तव जी का, माननीय मंत्री जी को अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। हमारे काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष भाई उदय चंद गुप्ता जी भी हैं, प्रवीण पटेल जी भी हैं, सभी का स्वागत। और मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ कि वो दो शब्द हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और मैं एक दो शब्द महिला होने के नाते कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश का स्वाभिमान है, नारी शक्ति का अभिमान है, हर जाति हर धर्म हर समुदाय हर मजहब के उत्थान के लिए संकल्पित है, सेना के गौरव है वो, भाजपा के अंत्योदय के लिए कटिबद्ध है वो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका सहयोग लेकर चलने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय हमारे जमुना पार के अध्यक्ष विभवनाथ भारती जी का भी स्वागत करती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ दो शब्द स्वागत उद्बोधन में हम सभी को और पूरा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धन्यवाद। आइए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रयागराज जिले के 12 विधानसभा के मंडल अध्यक्षगण, उनके साथ पूरी टीम, पूरी कार्यकर्ता और प्रयागराज की धरती पर माननीय भारतीय जनता पार्टी के हम सबके दिल के अजीज, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कन प्रेरणा सूत्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, सम्मानित जो क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता, एक एक सांसद और विधायक और एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, सबको साथ लेकर के हम सबको प्रेरणा देते हैं, हम सबको समझाने का काम करते हैं, ऐसे अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव जी का भी इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इस महानगर के अध्यक्ष जी, सम्मानित महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विधानसभा जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, उसकी लोकप्रिय सांसद, बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय दीदी रीता जोशी के चरणों में नमन करके मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित और इस जिले के कोने कोने पर जिनका नाम है, कई कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और संसद जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में हम सब की बात को रखने वाले आदरणीय हमारी चाची केसरी देवी पटेल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित मार्गदर्शक के रूप में हम सबको मार्गदर्शन देने वाले सम्मानित पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह गौड़ जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमारे प्रभारी ओमकारनाथ केसरी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, विभो नाथ जी का भी,
और यहाँ उपस्थित एक एक टीम का हमारे सारे विधायक गण आए हैं, हमारे पार्टी के बहुत सारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिनके क्षेत्र में उत्तरी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, हर्षवर्धन वाजपेयी जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक का, आदरणीय मौर्य जी का, आदरणीय प्रवीण पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा समय लूं, यहाँ उपस्थित एक एक लोगों का, आप में से प्रत्येक का, जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अभिलाषा जी का, मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ सभी उपस्थित हैं, हमारे सम्मानित सांसद हैं, सम्मानित विधायक हैं, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, सेक्टर बूथ अध्यक्ष, जहां तक मेरे को जानकारी है, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र का प्रमुख नेता, देश और विश्व का लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है मित्रों, वो नेता है नरेंद्र, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक घटना का मैं जिक्र करता हूं, शेर कैसा होता है और स्वयं दिखाई देता है। जब आतंकवादियों ने चैलेंज दिया कि श्रीनगर के चौक पर जो अपने मां का दूध पिया हो वह श्रीनगर के चौक पर झंडा फहरावे और भारत माता की जय की नारा लगावे, मित्रों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस समय यात्रा आदरणीय जोशी जी के लेकर चल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं भारत मां का बेटा हूं, अपने मां का दूध पिया हूं और श्रीनगर के चौक पर तिरंगा फहराने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी पहले संगठन के लीडर थे, और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवादियों के क्षेत्र में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और यानी राष्ट्रीयता की पहचान है प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम के स्थान पर मंदिर का नींव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री मित्रों आदरणीय नरेंद्र मोदी। और यानी गरीबी का जिसने एहसास किया, गरीबी को जिसने देखा हो, गरीबी को जिसने महसूस किया, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपा हो, रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हुए बरसात में चाय बेचा हो, यात्री को चाय पिलवाया हो, वह नौजवान जिस देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, हिंदुस्तान के सभी गरीबों को छत देने का काम करता है, सभी महिलाओं के परिवार में शौचालय देने का काम करता है, लोगों का सम्मान बढ़ाता है, सभी को गैस का कनेक्शन देता है, बिजली का कनेक्शन देता है, सभी के जीवन को खुशहाल रखता है, एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ गरीब की सुरक्षा, गरीब के सम्मान की बात करता है। आज मैं देख रहा था फोटो, इन्हें मित्रों आत्मा से सम्मान करते हैं, स्वच्छता कर्मियों का दिव्य और भव्य कुंभ में पैर धोना, आदरणीय नरेंद्र मोदी महान नेता है मित्रों, इस देश के नेता है, गरीबों के नेता है, इस राष्ट्र को एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं मित्रों। लीडर जो होता है उसकी पहचान देती है, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता,
पूरे देश के लिए काम करते हैं। इसलिए मित्रों, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी का 71 साल आज पूरे किए हैं। पूरे विश्व की दुआ, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की दुआ, वो दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे, तेजस्वी रहे, इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहे और देश का सम्मान बढ़ाते रहे। मित्रों, इसी निवेदन के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक अलग प्रकार का कार्यक्रम जो उन्होंने किया है, मैं भी पहली बार ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूँ आदरणीय मोदी का, और मुझे भी 3 घंटा हाल में बैठने का, हमें ध्यान नहीं कम में बैठा था। आज मैं भी PVR या पिक्चर हॉल में आदरणीय नरेंद्र मोदी पर बनी हुई फिल्म, पूरा उनकी गरीबी से लेकर संघर्ष से लेकर और आज तक का जो जीवन परिचय, 20 साल शासन में रहना और एक दाग भी न लगे, मित्रों ऐसा अद्भुत नेता, ऐसा देवपुर नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है। मित्रों, जिस पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मतलब शान है अपने दोनों नेताओं के लिए एक छोटा सा शेर कह करके मैं चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कड़ी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आतंकियों का नाश कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गुंडों का नाश कर रहे हैं, सबूल नाश कर रहे हैं, कि है गरज ऐसी कि सुनकर सारे दुश्मन ढेर हैं, कि है गरज ऐसी कि सुनकर सारे दुश्मन ढेर हैं, दिख रहा है योगी मोदी भारत के दो शेर है, दिख रहा है योगी मोदी भारत के दो शेर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, स्वतंत्र देव सिंह महेश श्रीवास्तव, स्वतंत्र देव श्रीवास्तव, भारत माता की वंदे वंदे। सभी लोग पिक्चर